अरे गेम रे वाला वो बाहर ही रोकना इनको। अरे क्यों ले रहे यार गाड़ी वहां पे? अरे यार साइड हो सलमान खान। अरे लड़ तो कम सहगल सोबत आहे म्हणजे तीन कलाकार इथे पोहोचले आहेत। सैफ अली खान, सहगल आणि नीलम म्हणजे तीन कलाकार इथे पोहोचले आहेत। अपील फाइल करनी होगी और अपील में अपना सेंटेंस सस्पेंड करवा के न्यायालय के सामने उस एक महीने के पीरियड के अंदर पेश कोर्ट ने और अगर तीन साल से ज्यादा हुई तो और अगर तीन साल से ज्यादा अगर सजा होती है तो यहां से बेल नहीं मिलेगी। देन ही विल हैव टू फाइल एन अपील बिफोर व्हिच कोर्ट? बिफोर द सेशंस कोर्ट अलोंग विद द। उसमें कितना टाइम लगेगा सर? उसमें कितना टाइम लगेगा? उसमें कितना टाइम लगेगा? इट्स अप टू हिज लॉयर बिकॉज़ आई कांट से। अरे तब तक उन्हें आज बेल मिल सकती है, आज उनको बेल मिल सकती है। वकील साहब तब तक जेल होगी? तब तक अगर क्या उनको आज बेल मिल सकती है? फोन लाइन सुन लो। इन केस इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 इयर्स देन I don't think that there is any possibility. Sir, court में आज क्या-क्या हुआ? इसके विस्तार से बताइए। Given by the sessions court. The co-accused have been let off, but why was Salman found guilty? Like what? Because there was ample evidence available on the court. Because of killing the two black bucks. Sir, we saw in Mumbai in hit and run case that Salman got the bail in just few minutes. Where is it also possible here in this case? Sir, I would just like to say I am not aware about the niceties of Bombay case, hit and run case. So I am not in a position to say. Is it possible for him to get the bail? As soon as possible within few minutes if he is convicted for more than 3 years. Everything depends upon the strategy of his lawyers because I am not representing him. I am representing only one of the accused named Dushyant Singh and he has been acquitted. Let's say the quantum of punishment is less than 3 years. Can he walk out today? If it is less than 3 years, can he go today? Sir. बॉलीवुड के दबंग सलमान खान से जुड़ा दो दशक पुराना ब्लैकबक कोर्ट केस में कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। जी हां, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जिसमें सलमान खान को दोषी करार दिया है। जी आपने सही सुना, सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है और वही तबू सैफ, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बेकसूर साबित किया है। सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, तबू सैफ और नीलम पर दो दशक पहले काला हिरन शिकार मामले में आज फैसला होना था और कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को गिल्टी साबित किया है। 2 अक्टूबर 1998 को राष्ट्रीय फिल्म की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान पर काले हिरन शिकार करने का मामला दर्ज किया गया था। साथ ही साथ इस केस में सलमान को उकसाने के लिए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे का नाम भी शामिल था। सलमान खान पर वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कल रात सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ जोधपुर पहुंच गए थे और उस वक्त से ही सलमान से जुड़ी काफी सारी खबरें सामने आ रही थी। सलमान पूरी रात जागे थे। कुछ नजदीकियों ने बताया कि सलमान पूरी रात पूल किनारे बैठे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन अब कोर्ट ने फैसला दे दिया है और दोषी करार कर दिया है बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को। हालांकि सलमान को कितने साल की सजा होगी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान को 1 से 6 साल के बीच सजा हो सकती है। हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।